Good afternoon, children. This is Varuna Sharma, and now you are watching Vivra classes. Please like, comment, share, and subscribe to this channel. Today we are going to discuss mechanism of respiration. Means respiration किस तरीके से होता है. जब respiration हो रहा है तो हमारी body में क्या क्या changes आते हैं, किस तरीके से changes आते हैं, वो आज हम study करेंगे. Mechanism of respiration. और यू कैन से इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन ऑल्सो. अब देखिए, जब रेस्पिरेशन प्रोसेस है तो यहाँ पर जब रेस्पिरेशन प्रोसेस होगा तो टू प्रोसेसेस एक साथ यहाँ काम करते हैं. फर्स्ट इज़ इंस्पायरेशन एंड सेकेंड वन इज़ एक्सपायरेशन. फर्स्ट इज़ इंस्पायरेशन एंड सेकेंड इज़ एक्सपायरेशन. इंस्पायरेशन क्या है? इनटेक ऑफ फ्रेश एयर, यानी सराउंडिंग मीडियम से जब हम हवा अंदर लेकर जाएंगे, बॉडी के अंदर एयर एंटर करेगी, उस वक्त क्या क्या चेंजेस होंगे हमारी थोरैकिक कैविटी में. क्योंकि लंग्स प्रेजेंट है इस थोरैकिक कैविटी में, थोरेक्स रीजन में, तो चेंजेस भी इसी रीजन से रिलेटेड होंगे. फाइन, इसी तरीके से एक्सपायरेशन जब होगा, एक्सपायरेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ फाउल एयर और प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, दैट इज नोन एज एक्सपायरेशन. उस वक्त बॉडी में क्या चेंजेस होंगे आज हम डिस्कस करेंगे इसी पार्ट में, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में. फाइन, अब देखिए हम स्टार्ट कर रहे हैं इंस्पायरेशन से. इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशन करना है मीन्स एक लॉन्ग ब्रीथ ले और हवा को अपनी बॉडी में हमने नोज़ से सब मतलब बहुत सारी एयर को जो है एब्जॉर्ब करना है बॉडी के अंदर. तो देखिए, जैसे ही हम टेक लॉन्ग ब्रीथ कर रहे हैं, तो जैसे ही हमने एक लंबा सांस लिया, यानी हवा अंदर चली गई, ऑक्सीजन अंदर चली गई, एंड दैट इज़ नोन एज फर्स्ट पॉइंट. आप देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या है, दैट इज़ नोन एज इंस्पायरेशन. और फर्स्ट पॉइंट यही है, इनटेक ऑफ फ्रेश एयर फ्रॉम एनवायरमेंट इज इंस्पायरेशन. अब आप देखिए, जैसे ही हमने लंबी एक सांस ली, देखिए बॉडी ऊपर की साइड मूव कर रही है, ऊपर की साइड मूव कर रही है ना, मीन्स जब हवा अंदर जाएगी तो वो हवा अपने लिए जगह भी तो बनाएगी. तो उसमें फर्स्ट एक्शन जो हम देखो, कई सारे एक्शन एक साथ होंगे, लेकिन हम एक एक करके उनको डिटेक्ट करेंगे कि क्या क्या एक्शन हो रहे हैं. तो फर्स्ट क्या हो रहा है, बॉडी मूव्स अपवर्ड, बॉडी ऊपर की तरफ मूव कर रही है. फाइन, और एयर जो है, देखिए एयर जो है एंटर करना शुरू हो जाएगी कहाँ, लंग्स में. और लंग्स का जब हवा इसके अंदर भरेगी तो हवा इन वॉल के ऊपर प्रेशर डालना शुरू करेगी, और जब इन वॉल के ऊपर यानी चारों तरफ भी प्रेशर डालेगी तो उस वक्त क्या होगा, जब नीचे की तरफ प्रेशर डालेगी दोनों लंग से, तो जो डोम शेप्ड डायफ्राम है, डायफ्राम है ये जिसके ऊपर दोनों लंग्स रखे हुए हैं, तो नेचुरली ओरिजिनली इसकी जो शेप है वो डोम शेप्ड है, जैसे डोम गुंबद नुमा होता है, डोम शेप्ड है. बट जैसे ही प्रेशर आना शुरू होगा और यहाँ से इसका लंग्स का एरिया वॉल्यूम इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा हवा बढ़ने की वजह से, तो क्या होगा कि ये जो डोम शेप्ड जो ये डायफ्राम है, इट बिकम्स फ्लैट, ये ऐसे फ्लैट होना शुरू हो जाएगा जब नीचे की तरफ प्रेशर आएगा तब. समझ गए? तो एक तो बॉडी मूव अपवर्ड, बॉडी ऊपर की तरफ मूव कर रही है. दूसरा चेंज क्या आया, हवा भरनी शुरू हो गई लंग्स के अंदर, और उससे उसने प्रेशर डाला डायफ्राम पर. जब नीचे की तरफ प्रेशर डाला डायफ्राम पर तो डोम शेप डायफ्राम बिकम्स फ्लैट, ये फ्लैट हो जाएगा. इसके बाद जो सेकंड चेंज आएगा वो क्या आएगा, देखो उसके साथ साथ ये सब साइमल्टेनियस चेंजेस होंगे, बट हम स्टडी करेंगे एक दूसरे के साथ आगे पीछे. वो देखिए अब दूसरा चेंज क्या आ गया, यहाँ से जब आगे इस वॉल के ऊपर प्रेशर पड़ेगा तो ये वॉल जो है खिसक के पहुँच जाएगी यहाँ, और लंग्स फूल जाएंगे. देखो आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि भाई हम जब आर्मी में एग्ज़ाम के लिए जाते हैं, फ़ौज में भर्ती के लिए जाते हैं, तो फिज़िकल होगा भाई, वो चेस्ट भी नापते हैं एक बार फुला के और एक बार नॉर्मल. तो फुला के क्या है,
वो जो कहते हैं भाई छाती फुला के, चेस्ट को फुला के वो चेक कर रहे हैं कि भाई कितनी है छाती, वो यही देखते हैं लंग की कैपेसिटी क्या है, कितनी हवा उसके अंदर भरी जा सकती है। तो जैसे ही हमने हवा भरी तो ये एरिया फूलना शुरू हो जाएगा, हवा अंदर चली गई, ये एरिया फूलना शुरू होगा, जिसकी वजह से बॉडी ऊपर की तरफ मूव कर रही है। अब ये जो लंग्स हैं ऊपर की तरफ से पूरा ये रिब्स का केज है, ये पूरा ये रिब्स का केज है, ये जो रिब केज है ये देखिए रिब्स हैं ये आपस में, ये रिब केज देखो एक दूसरे के साथ ही मसल्स के साथ अटैच होती हैं, एंड दीज मसल्स आर नोन एज इंटरकोस्टल मसल्स। ये मसल्स भी जब बाहर की तरफ लंग्स खुलेगा, लंग्स बाहर की तरफ एक्सपैंड होगा, तो एक्सपैंड होने पर इस वॉल जो लंग की वॉल है वो पहुंच गई आगे की तरफ, तो वो प्रेशर डाल दिए इंटरकोस्टल मसल्स पर, इंटरकोस्टल मसल्स भी एक्सपैंड होंगी, और एक्सपैंड होने से जो वॉल्यूम ऑफ थोरैकिक कैविटी है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक, अब देखिए चेंजेस क्या क्या आ रहे हैं। एक हो गया फ्रेश एयर बॉडी में चली गई, बॉडी मूव्स अपवर्ड, देन इंटरकोस्टल मसल्स मूव्स आउटवर्ड, इंटरकोस्टल मसल्स बाहर की तरफ खींचेंगी तो क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, किसका, थोरैकिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ेगा। तो नेक्स्ट चेंज क्या है, वॉल्यूम ऑफ थोरैकिक कैविटी मीन्स थोरैक्स रीजन इंक्रीजेस। ये जैसे इंक्रीज होना शुरू होगा बाहर की तरफ, तो नीचे की तरफ जो हवा प्रेशर डाल रही है लंग्स की बेस की तरफ, वो प्रेशर डालेगा डायफ्राम पे, और डायफ्राम जो डोम शेप्ड डायफ्राम है प्रेशर डालते ही वो बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा। तो नेक्स्ट चेंज हो गया, डायफ्राम बिकम्स फ्लैट एंड लंग्स स्वेल अप, और लंग्स पूरे हवा भरी हुई है अभी और लंग्स पूरे फूल चुके हैं। ठीक, चेंजेस ध्यान रखेंगे, ऊपर की तरफ बॉडी मूव कर रही है, इंटरकोस्टल मसल साइड में मूव कर रहे हैं, थोरैकिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ गया, डायफ्राम फ्लैट हो गया, हवा तो अंदर चली गई तभी ये सारे चेंजेस हुए और लंग्स फूल चुके हैं। दीज आर द स्टेप्स ऑफ इंस्पायरेशन, एंड आई होप आपको एक दूसरे के साथ ये पॉइंट बिल्कुल लर्न हो गए होंगे। आज जब आप यहाँ से उठेंगे, इस वीडियो को देखेंगे, देखकर जैसे ही उठेंगे आपको ये पॉइंट्स लर्न हो चुके होंगे, और इसका जस्ट अपोजिट होगा एक्सपायरेशन, उल्टा करते जाना है भाई, जो चीज़ एक्सपेंड हुई है वापस रिलैक्स होकर अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आएगी, है ना। तो अब वापस अपोजिट होना शुरू होगा, देखिए यहाँ पर हवा अंदर जा रही थी तो ये क्या हो गया, रिमूवल ऑफ फाउल एयर फ्रॉम बॉडी, और बॉडी में भी कौन, लंग्स, लंग्स से आ रही है फाउल एयर बाहर, किसके थ्रू, वाया नोज, नोज के थ्रू वो सारी एयर वापस एनवायरनमेंट में चली जाएगी। ठीक है, अब जब लंग्स में से हवा निकल गई, एनवायरनमेंट चली गई, तो क्या हो गया, जो बॉडी का जो मूवमेंट था वो वापस क्या, जो ऊपर की तरफ गया था वापस क्या आ गया, डाउनवर्ड, सो बॉडी मूव्स डाउनवर्ड। क्लियर, नेक्स्ट देखिए, बाहर की तरफ ये जो इंटरकोस्टल मसल्स बाहर की तरफ एक्सपेंड हुए थे, ये मसल्स भी वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर चले जाएंगे, और जब ये मसल्स वापस ओरिजिनल पोजीशन पर जाएंगे तो क्या होगा, लंग्स अपनी ओरिजिनल साइज शेप में आ जाएंगे, तब उस कंडीशन में क्या होगा, इंटरकोस्टल मसल्स मूव्स इनवर्ड, पहले तो हम कह रहे हैं आउटवर्ड, बाहर की तरफ एक्सपेंड हुए थे इंस्पायरेशन में, लेकिन इसमें क्या होगा, अंदर की तरफ आने शुरू हो जाएंगे, सो इंटरकोस्टल मसल्स मूव्स इनवर्ड, अंदर की तरफ आ गए, जब अंदर की तरफ आ गए तो थोरैकिक कैविटी का जो वॉल्यूम बढ़ा था इंस्पायरेशन में अब वो वापस डिक्रीज हो गया, सो वॉल्यूम ऑफ थोरैकिक कैविटी डिक्रीजेस। जब थोरैकिक कैविटी का वॉल्यूम डिक्रीज हो गया, साथ साथ जो डायफ्राम है वो वापस क्या हो जाएगा, डोम शेप्ड, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ गया, रिलैक्स हो गया, डोम शेप्ड हो गया, क्योंकि वो भी तो मस्कुलर और मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, तो वो भी जो डोम शेप्ड वापस आ जाएगा बिल्कुल रिलैक्स कंडीशन में, और जो लंग्स हैं वो अब श्रिंक हो चुके हैं, श्रिंक हो गए। समझ में आ गई बात, एक बार जो भी कंडीशंस होंगी उनके जस्ट अपोजिट होंगे, किस में, एक्सपायरेशन में। फिर से देखिए, एक्सपायरेशन में फाउल एयर बाहर आएगी तो बॉडी डाउनवर्ड आ जाएगी, मूव करेगी, इंटरकोस्टल मसल्स जो बाहर एक्सपेंड हुए थे वापस अंदर आ जाएंगे, डायफ्राम जो फ्लैट हो गया था अब वो वापस डोम शेप्ड हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ थोरैकिक कैविटी
डिक्रीज हो जाएगी, इसका मतलब लंग्स श्रिंक हो गए, लंग्स जो है वो श्रिंक हो गए यहाँ पर। ये सारे चेंजेस होंगे इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन में। आई होप आज के इस वीडियो में आपको समझ आ गया होगा कि मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन में किस तरीके से कौन कौन से स्टेप्स फॉलो होते हैं। यहाँ से आपके 3 क्वेश्चंस प्रिपेयर हो रहे हैं अगर आप ध्यान करते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टेप्स ऑफ इंस्पायरेशन, आपको मेन स्टेप्स लर्न हो गए, आप इसको विद इन 1 or 2 लाइन्स में एक्सप्लेन कर दें, आपका 1.5 पेज के तो यही करेक्टरिस्टिक्स हो गए। सेम थिंग इज हेयर, यहाँ पर भी ये 6 पॉइंट्स हैं, इन 6 पॉइंट्स को आप अच्छे से दिमाग में बिठा लें, अच्छे से लर्न हो गए, इसके जस्ट अपोजिट हैं, उनको 1-1.5 लाइन में लिख लेंगे तो वैसे ही वो एक्सप्लेन हो जाएंगे। तो एक तो यहाँ से आपके करेक्टरिस्टिक्स और स्टेप्स ऑफ इंस्पायरेशन इसमें आ गए, स्टेप्स ऑफ एक्सपायरेशन, और सबसे इम्पॉर्टेंट जहाँ पर डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, इनका जो डिफ्रेंशिएट क्वेश्चन आएगा वो भी आपका प्रिपेयर है, डायरेक्ट डिफरेंसेस भी यहाँ पर बन गए। फाइन, तो आज की इस वीडियो में हमने कोशिश की है कि इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन और उनके डिफरेंसेस को क्लियर करने की। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर आऊँगी प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन एंड स्पेसिफिकली ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का पूरा एक्सप्लेनेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। बाकी फिर भी अगर इसमें कोई पार्ट समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें, साथ साथ चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, टेक ए स्क्रीनशॉट प्लीज़।